एक्सरसाइज नंबर 6.4, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 9, एक्स प्लस 8 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन है इसका एक्स प्लस 8 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इसको अरेंज करते हैं तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस 8। वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 को प्लस कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी 1 को प्लस कर दिया। दोनों तरफ अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 8 प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो जो कि क्या है यहाँ पे y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा इक्वल्स टू x प्लस 9। अब लेट करते हैं y माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल y, x प्लस 9 इक्वल टू कैपिटल x। इक्वेशन 1 बिकम कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू x। एज स्टैंडर्ड फॉर्म इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 4a इक्वल आता है हमारे पास 1 के, यहाँ से a की वैल्यू निकलती है a इक्वल टू 1/4। फोकस इक्वल टू a कॉमा 0, कैपिटल x कॉमा कैपिटल y इक्वल्स टू a की जगह पे आ जाएगा 1/4 कॉमा 0। कैपिटल x की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे स्मॉल x प्लस 9 कॉमा स्मॉल y माइनस 1 इक्वल्स टू 1/4 कॉमा 0। इनको कंपेयर करेंगे x प्लस 9 इक्वल्स टू 1/4 बन गया, y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब पहले x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 1/4 माइनस 9, x इक्वल टू माइनस 35/4। y की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 1। तो फोकस क्या आ गया, फोकस माइनस 35/4 कॉमा 1। अब फॉर दी वर्टेक्स पुट कैपिटल x इक्वल टू 0, कैपिटल y इक्वल टू 0। कैपिटल x इक्वल टू 0 रखने का मतलब क्या है कि स्मॉल x प्लस 9 को इक्वल रख रहे हैं हम 0 के। यहाँ से हमारे पास स्मॉल x इक्वल आ गया माइनस 9 के, और दूसरी तरफ y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 1। रिक्वायर्ड वर्टेक्स हमारे पास क्या है, वर्टेक्स इक्वल टू माइनस 9 कॉमा 1। डायरेक्ट्रिक्स इज, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है, कैपिटल x इक्वल टू माइनस a, कैपिटल x की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे स्मॉल x प्लस 9 इक्वल टू माइनस 1/4। x इक्वल टू 9 लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, उसको राइट साइड पे ले जाएंगे, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1/4, x इक्वल टू माइनस 37/4। ये हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स। तीनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई। अब इसका स्केच ड्रॉ करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इक्वेशन को देख के हमने हिसाब लगाना होता है कि पैराबोला किस तरफ को ओपन होगा। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो हमारा पैराबोला है वो राइट साइड की तरफ क्या हो, एक्स एक्सिस की राइट साइड पे पॉजिटिव तरफ क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। उसके अलावा हम उसका क्या ढूंढेंगे, अब वर्टेक्स। वर्टेक्स है हमारे पास माइनस 9, 1। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा 9, और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हमारे पास पॉइंट कौन सा होगा 1। तो उसी तरह हम वो पॉइंट ढूंढते हैं, उस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं और वहाँ पे क्या बनाएंगे, वर्टेक्स v माइनस 9, 1। इसी तरह हमारा फोकस क्या है, माइनस 35/4, 1। माइनस 35/4 हमारे पास तकरीबन बनता है 8.8 के, मतलब एक्स एक्सिस पे हमारे पास माइनस 8.8 होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ देखते हैं, और वाई एक्सिस की तरफ हमारा क्या होगा 0.1। इसको वो पॉइंट पे बनाएंगे फोकस, फोकस हमारे पास तकरीबन ये पॉइंट आ गया जो कि क्या है, एफ़ इक्वल टू माइनस 35/4, 1। अब क्या देखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स जो कि क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस 37/4 जो कि तकरीबन 9.2 बनता है। तो एक्स एक्सिस पे इसको माइनस 9.2 पे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन बन गई। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।